आगर मालवा के कलेक्टर संजय कुमार ने जिला कलेक्टर कार्यालय में कोरोना वायरस को लेकर प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें कि कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, साथ ही धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को मंदिर और मस्जिद में जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे कि संक्रमित वायरस को फैलने से रोका जा सके। न्यूज लाइव MP के लिए आगर से रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है? मंदिर में जो नियमित आरती और पूजन होता है वो पूजन होगा, और लोगों के दर्शन के लिए पट बंद रहेंगे ताकि लोग दर्शन के लिए ना आएँ फिलहाल, क्योंकि ये आने और जाने और इकट्ठा होने के कारण इसके फैलाव में बल मिलेगा। तो अभी चूंकि हम लोगों का पूरा प्रयास कोरोना वायरस के थर्ड स्टेज में फैलाव को रोकना है, क्योंकि थर्ड स्टेज सबसे डेंजरस स्टेज होता है, जहां सामाजिक सरोकार के कारण, सोशल कॉन्टेक्ट के कारण इसके फैलाव में बहुत ही गति मिलती है। तो लिहाजा हम उस थर्ड स्टेज को ना होने दें। अभी तो फॉर्चुनेटली हमारे स्टेट में और अभी फर्स्ट स्टेज केस भी नहीं है, लेकिन प्रिपेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग वर्ष से वर्ष स्थिति के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी के लिए ये सभी एहतियाती उपाय कर रहे हैं। सर, हवन वगैरह बन रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि हवन में भी लोग इकट्ठे होते हैं, और तो ये इस प्रकार की सारी गतिविधियों को बंद रखने की ज़रूरत है। हम आग्रह करेंगे कि अभी अपने ये सब धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए जो सारी गतिविधियां हैं उसको फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दें, और अगर हो सके तो उसको अपने घरों में अपने स्थल पे संपन्न करें, लेकिन सामूहिक सार्वजनिक जगहों पे करने से बचें। सर, हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज एक साथ लाइन में खड़े रहते हैं।